हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कीर्ति, कीर्ति भोला नाम तो सुना होगा। ओके मैडम फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली मैंने कई सारे कोर्सेज एंड पैकेजेस यहाँ पर हम लोग ने बनाया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग साइड बिज के साथ, राइट। सो लोगों ने इनफैक्ट सुना होगा कि नाउ वी आर टू 21st सेंचुरी, राइट। बट एग्जैक्टली 21st सेंचुरी है क्या? जो ट्रेडिशनल जो अप्रोच था मार्केट का, कुछ लाइफ स्टाइल का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, ये सारी चीजें बदल चुकी है, एम राइट फ्रेंड्स? सो अब लोगों का राइट एक बिहेवियर भी इनफैक्ट जस्ट चेंज होते जा रहा है, जनरेशन इनफैक्ट जस्ट चेंज होती जा रही है, मोबाइल के वर्जन बदलते जा रहे हैं, राइट माय फ्रेंड्स? इट मीन्स व्हाट? वी आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स द डिजिटल वर्ल्ड नाउ, राइट। सो यस माय फ्रेंड्स, अगर हम लोग डिजिटल वर्ल्ड की ओर अगर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, सो अब कौन ट्रेडिशनल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केट के रूल्स को फॉलो करेगा? नो। पैंडेमिक सिचुएशन जस्ट अभी रिसेंटली जस्ट आके गई, कितने लोगों ने दुकान खोलकर कोई बिजनेस किया था? नो, राइट। सारे दुकानें बंद थी, सारे मॉल्स इनफैक्चर्स बंद थे, तो उस वक्त कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा काम आया कि जहां पर लोग एटलीस्ट ऑर्डर दे पाए कुछ, इनफैक्ट यू नो सारी चीजें इनफैक्ट अपने ऑर्डर देने पर डर गई, घर पे इनफैक्ट डिलीवर की गई थी, लोग ऑर्डर्स कहाँ से देते थे? अब तो समझ में आया होगा कि क्या ज्यादा जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट मैटर फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग। नाउ वी आर ऑन द 21st सेंचुरी एंड आफ्टर पैंडेमिक ओनली नाउ वी गॉट टू नो दैट हाउ रियली दिस कॉन्सेप्ट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मूव अहेड, राइट माय फ्रेंड्स? तो जस्ट आप सोचिए डियर, मैं जस्ट आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि पहले जो हुआ करता था, राइट, लोग सेल्स एंड मार्केटिंग को एक ही समझते थे, लोगों को यही नहीं पता होता था कि सेल्स क्या होता था और मार्केटिंग क्या होता था। मार्केटिंग जस्ट लोगों को मतलब मार्केट के अंदर कभी कोई नया प्रोडक्ट अगर आ रहा है तो उसको लॉन्चिंग करना है, मार्केट करना है, एक्सपेंशन का प्लान अगेन जस्ट करना है, ब्रांडिंग करनी है, सो दैट ऑल थिंग दैट कम्स इनटू द व्हाट मार्केटिंग ओनली माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद सेल्स तो लोग ऑटोमेटिकली करना स्टार्ट कर देंगे इफ दे लाइक द फीचर्स, बेनिफिट्स, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड ऑल, तो डेफिनेटली वो तो सेल्स तो ऑटोमेटिकली होने वाला, बिकॉज मेजर पार्ट जो है एग्जैक्टली जो भी कोई भी प्रोडक्ट के प्रमोशन में या फिर प्रोडक्ट की सेलिंग में, दैट इज व्हाट मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड्स। वही तो एक एक्चुअली एक मार्केटिंग है, राइट। अगर मार्केट होगा प्रोडक्ट्स, यू मैट हैव सीन नंबर ऑफ कंपनीज, राइट, यू मैट हैव सीन नंबर ऑफ ब्रांड, दे आर लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट्स, उसके लिए इनफैक्ट दे आर स्पेंडिंग इन करोड्स, राइट माय डियर फ्रेंड्स? वो लोग इन करोड्स दे आर स्पेंडिंग, एडवर्टाइजमेंट बनती है, आपको क्या लगता है एडवर्टाइजमेंट क्या 1,000-2,000 लाखों में से बनती होगी? नो डियर, इट टेक्स, इट चार्ज एटलीस्ट राइट इन करोड़ डियर, मॉडल शूट एंड एवरीथिंग दैट टेक्स। मार्केटिंग के लिए इतना सारा रुपया वो लोग क्यों लगाते हैं? दे आर नॉट फूल, राइट? ओके, तो कुछ तो सोच के वो लोग ने भी इनफैक्ट अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते रहेंगे, बिकॉज माय फ्रेंड्स हियर देन इट टू अट्रैक्ट द पीपल अटेंशन, लोगों का अटेंशन वो लोग अगर खींचेंगे तो ही तो उनको बारे में, उनके बारे में ब्रांडिंग होगी, उसके बारे में अवेयरनेस जस्ट फैलेगी, राइट, एंड द पीपल विल कम टू नो अबाउट इट, एंड जैसे वो रेगुलर होते जाएगा, राइट, जैसे वो रेगुलराइज होते जाएगा, डेली वही एड को जब इंसान बार बार देखेगा, देन दैट ब्रांड विल बिकम ओल्ड वन, तब ही तो लोगों को उस ब्रांड पे भरोसा आएगा, राइट, देन ओनली दे विल स्टार्ट टू मेक द परचेस, देन दे विल स्टार्ट टू डील, राइट माय फ्रेंड्स? So I hope now you got it, my dear friends, what exactly that marketing is. But my dear friends, मैं आज आपको marketing, digital marketing, ये सारी just चीजें हैं, right? That I'll just explain you with the help of available roadmap, my dear friends. So this कि marketing की history बहुत पुरानी है, dear, बहुत पुरानी है वो. पहले in fact हम लोग marketing किस तरह से किया करते थे? पहले जैसे हम लोग ये देखते कि exactly what about marketing concept? Marketing का मतलब क्या होता? Marketing का मतलब होता है to market the product. To market the product, to spread the awareness about the product, to do the branding of the products of the people that should know about the product, right? This is actually about the marketing concept. But to be honest, my dear friends, abhi aaj main kabhi agar marketing ke liye, in fact, you know, market mein just bhi nikalta hu, being actually I'm at Gujarat,
सो यहाँ पर इनफैक्ट यू नो व्हेन आई हर्ड के पीपल आर लुकिंग फॉर मार्केटिंग मैनेजर, राइट, सेल्स मैनेजर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ही नहीं. पीपल आर हायरिंग मार्केटिंग मैनेजर. व्हेन आई एम आस्किंग दैम व्हाट एग्जैक्टली दिस पीपल आर डूइंग, सो दैट टाइम दे आर सेइंग हम लोग मार्केटिंग, दे आर गोइंग इनटू द मार्केट, प्रोडक्ट सेल करते हैं. सो सीरियसली आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड माइंड ऑफ फैक्ट्स. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. सेलिंग द पीपल दे कैन सीट एट द ब्रांड लोकेशन, राइट, एंड दे कैन इजिली टेक द ऑर्डर एंड फुलफिल द ऑर्डर, दे कैन डिस्पेच ऑल द थिंग दे all that thing done into saving, right? But what about the marketing then? Marketing is all about just and just spreading the awareness about the product. So the people should know, right? People should not like, you know, कि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि that product is new into the market. So this is what the marketing. So let's see. Okay, marketing. So that is connecting. Marketing is what? The connecting the people with brand, with your audience into the right place at the right time. Correct. What is marketing? Marketing is nothing but the connecting. It's connecting the audience with brand, right? At right place, at right time. Correct, my dear friends, right? So now we'll just see the history or maybe traditional marketing. Traditional, what is traditional marketing? In traditional marketing, abhi mujhe zara kaise ko batane ki zarurat nahi, because in our childhood that was, we have seen newspapers aate the. Aajkal jaisa aap dekh sakte hain, newspaper in fact bahut कम हो चुके हैं, राइट, बिकॉज नाउ डेज पीपल आर डायरेक्टली गेटिंग मैसेजेस ऑन, यू नो, आपको डायरेक्टली, इनफैक्ट देर आर नंबर ऑफ डेली न्यूज एंड ऑल, देर आर नंबर ऑफ ऐप इज अवेलेबल ऑन योर एंड्रॉइड मोबाइल फोन, राइट. सो पहले अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगर बताया चाहते हो, जैसे ना कुछ न्यूज पेपर आ जाते हैं और एंटायर पेज में वही किसी एक ब्रांड के बारे में, इनफैक्ट जैसे नॉर्मली बता दो, जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ कल्याण ज्वेलर्स. सो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने देखा होगा तो पूरे पेज में ज्वेलरी के बारे में डिजाइनिंग होती थी, राइट, प्रोडक्ट के पिक्चर्स होते थे, उसके प्राइसिंग होते थे, रिलीवेंट कुछ इनफैक्ट कुछ फैक्ट उसमें लिखाए जाते थे, आर्टिकल्स लिखे जाते थे, राइट. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट न्यूज़पेपर के थ्रू पहले इनफैक्ट ऐड होती थी. नेक्स्ट इज पैम्पलेट्स. पैम्पलेट इनफैक्ट वो भी जैसे आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर के साथ ही कुछ अगर कुछ दिवाली है, होली है या फिर कोई ओकेशन है तो उस वक्त में माय फ्रेंड्स, राइट, पेपर के साथ कुछ पैम्पलेट्स आते थे, राइट, वो भी उनके साथ ही न्यूज़पेपर के बीच में जैसे वो डाले जाते थे और वो पैम्पलेट को दिए जाता था और पैम्पलेट के अंदर लिखा जाता था, अगर आप इस पैम्पलेट को लेकर अगर आप आते तो यू मे गेट, यू मे बेनिफिट द डिस्काउंट ऑफ रुपीज, ब्ला 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 ब्ला. सो पैम्पलेट ये क्या था माय डियर फ्रेंड्स? अगेन द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट अबाउट मार्केटिंग, यस डियर. देन फ्लायर्स, आपको ईमेल में, पहले क्योंकि व्हाट्सएप नहीं था डियर, तो उस वक्त एक्चुअली फ्लायर डिजाइन किए जाते थे और वो ईमेल के थ्रू आपको ईमेल में वो फोटोज और फ्लायर्स बना के आपको दिए जाते थे, सो दैट आपको एग्जैक्टली पता चले. और उस टाइम फ्लायर्स अगर आपको बताऊं मैं तो मे बी आई थिंक मोबाइल्स क्या देते हैं, राइट, अबाउट मोबाइल, मोबाइल फीचर्स, मोबाइल बेनिफिट, प्राइसिंग एंड एवरीथिंग दैट. सो फ्लायर वो होते थे जहां पर प्रोडक्ट के बारे में इनफैक्ट लिखा होता है बट वो ईमेल के जरिए इनफैक्ट जैसे आपको पहुंचते थे. देन नेक्स्ट इज इनफैक्ट फ्लायर, वन मोर थिंग दैट इज ऑन फेसबुक भी था उस वक्त, तो एक्चुअली इंस्टा नहीं था बट फेसबुक एक्चुअली था, राइट. तो फेसबुक के जरिए भी इनफैक्ट बहुत सारे फ्लायर्स आते थे. सो वहाँ पर जैसे ऐसा होता था कि वो टाइम को एक्चुअली कमेंट या फिर लाइक ऐसे कोई बटन्स नहीं होते थे, बस वहाँ पर फ्लायर जो भी इनफैक्ट कंपनी है उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे फेसबुक कंपनी के, और डायरेक्टली वो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली वहाँ पर वो क्या करते थे, फ्लायर के जरिए वो लोग डायरेक्टली शूट कर देते थे, जो कि हम लोग आज अभी आज घर पर बैठ कर कर सकते हैं. So that flyers, dear. The next step is billboards, banners and all, right? Billboards, banners, magazines. So now that I don't need to say, my friends, कि किस तरह से पहले exactly marketing हुआ करती थी. Magazines में in fact there are number of things, there are number of companies that are actually launching the magazines. और magazines में अगर आपको अगर अपने branding के बारे में या फिर अपने product के बारे में कुछ अगर आपको कुछ you know कुछ articles अगर आपको छपवाने हैं, so you'll have to be, you need to be in contact with the people of, right, you know, who are actually drafting magazines and all. So uske zariye in fact aap apne products ko directly promote kar sakte the. But my dear friends, kitne sare tensions se, are you getting me here, right? Aapko bahar jana hai, newspaper wale ke wahan par jana hai, pamphlet ke in fact jana hai, to in fact again you have to find the market of pamphlets ke liye kahan par hote the, magazines ke liye kahan par banate the, again you have to be into contact with the people who are drafting it, banners ke liye in fact kuch alag logo ke paas jana hai. So अगर ऐसे दिखाने जाऊं माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल अप्रोच जो था मार्केटिंग का वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था कि वहां पर जाके इनफैक्ट
ड्राफ्टिंग के लिए एक दिन पूरा लगता था, मे बी 3 दिन लग जाते थे अगर काम ज्यादा हुआ तो। बाद में अगेन वो मार्केट के इनफैक्ट नो लगाने के लिए, इनफैक्ट अगेन उसके मार्केट में आने के लिए इनफैक्ट 2-3 दिन और, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग था माय डियर फ्रेंड्स। सो दैट वाज एक्चुअली ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द मार्केटिंग। वहां से लोग बोर हो चुके थे बार बार जाना लोगों को उसके लिए स्पेशली, मेरे को इनफैक्ट वो भी देखा हुआ है कि लोग स्पेशली इन चीजों के लिए कुछ लोगों को हायर करते थे कि आपको ये सारा मेरा काम जस्ट करना होगा मेरे बिहाफ में, राइट। और उनको उसके बिजनेस पे इनफैक्ट पेमेंट दी जाती थी। सो आज देखिए डियर, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में जस्ट बी एट होम, अपना जो भी इनफैक्ट आपको कॉन्सेप्ट जो लिखवाना है, जो द थिंग दैट यू एक्सपेक्टिंग, बस उसे एक आप रोड मैप या फिर एक मैप जस्ट बना के आप डायरेक्टली ग्राफिक डिजाइनर्स को आप डायरेक्टली भेज दीजिए और वो मे बी इन नेक्स्ट 2 आवर्स आपको सारी चीजें दे देगा। जैसे आपने कंफर्म कर लिया, नेक्स्ट डे डायरेक्टली आपकी एड या आपका प्रमोशंस डायरेक्टली आपके या तो इधर ऑन गूगल, फेसबुक, राइट, सोशल मीडिया में हो जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म इनफैक्ट हमारे पास है। इनफैक्ट अगर आपको यूट्यूब, अगर आपको वीडियो बनाना है, सो अगेन जस्ट विद इन 2 or 3 days आपका वीडियो बन जाता है, आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू डायरेक्टली वी कैन नॉट थिंक इवन, राइट। अगर आपको यूट्यूब कर, अगर आपको पता है, सो यू कांट इमेजिन माय फ्रेंड्स, अभी इंटरव्यू जस्ट लिया है आपने, प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताया, कुछ फोटोज इनफैक्ट अपना किए, राइट, और बहुत सारे टूल्स हैं वो भी इनफैक्ट आपने जस्ट उसके बेसिस पे आपने एक वीडियो बना लिया और डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड कर लिया। सो कैन यू इमेजिन माय फ्रेंड्स, जस्ट इन 1 आवर मे बी इन 2 आवर्स, राइट, आपने आपके वीडियो को वर्ल्ड वाइड क्या कर दिया, आपने डायरेक्टली मार्केट कर दिया डियर मेरे फ्रेंड्स। नाउ उसके जरिए आप अब एक नहीं, दो नहीं, पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह पे, राइट, लोग अभी आपके वीडियो और आपके प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली माय फ्रेंड डिजिटल वर्ल्ड, राइट। कम एफर्ट लेके, कम वक्त में, राइट, आपका पैसा बचाकर आप किस तरह से कुछ ही जन मिनटों में, जन सेकेंड्स में, राइट, आप डायरेक्टली दुनिया के साथ एक साथ आप बात कर सकते हो। आप सारे कस्टमर्स जो हैं वो अब आपके सिर्फ इंडिया नहीं रहे, आपकी स्टेट नहीं, आपकी स्टेशन नहीं, बल्कि पूरा जहान होगा जिसको आप अपना प्रोडक्ट बता पाएंगे, राइट माय फ्रेंड्स, और मार्केट कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल एक्चुअली द डिजिटल वर्ल्ड माय फ्रेंड्स। सो नाउ डिजिटल, दिस इज वेयर द ऑडियंस इज नाउअडेज, करेक्ट। डिजिटल क्या है, व्हाट इज डिजिटल, जहां पर आज अक्सर लोगों को देखा जाता है सबसे ज्यादा, अभी आपको तो पता ही होगा डियर, आई डोंट नीड टू से इवन, लोग सबसे ज्यादा कहां पर हैं, यूट्यूब में हैं, गूगल पर हैं, वेबसाइट्स पर हैं, फोरम्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिनिंटरेस्ट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, यस, यहां पे व्हाट डू यू थिंक, वो किन लोगों से बात करते रहते हैं, व्हाट एक्चुअली दे आर लुकिंग फॉर, राइट, उनको कुछ नए नए प्रोडक्ट्स उनको मिलते हैं, दे टेक इंटरेस्ट, इफ दे लाइक दैट देन डायरेक्टली ऑर्डर, दे प्लेस द ऑर्डर। सो व्हाट इज दैट, दिस इज ओनली डिजिटल प्लेटफॉर्म माय डियर फ्रेंड्स, वेयर नाउ पीपल दे डोंट नीड टू वेट। अगर आप में वो अगर ताकत है तो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए और डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स का ऑर्डर लीजिए इमीडिएट बेसिस पे। सो दिस इज नथिंग बट द व्हाट, रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। ये यहाँ पर इवोल्यूशन नहीं है, यहाँ पर रिवॉल्यूशन कॉन्सेप्ट है। Suddenly, right, if people like your product and services, अगर आपने flyer और या फिर video अगर आपने बनाया हुआ है proper with the proper planning, right, अगर digital marketing अगर आपने की हुई है, courses in fact अगर हमारा अगर आपने totally attend किया है, so you will get to know, my dear friends, कि कितने सारे tools हैं, कितने सारे platforms हैं जहाँ पर आप just जन मिनटों में आप अपने product को market कर सकते हो और maybe जन मिनटों में आप directly वहाँ से ऑर्डर ले भी सकते हो। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन से प्लेटफॉर्म पर जाके आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जैसे आपको पुटअप करनी है, किस तरह से कौन से कीवर्ड आपको यूज करने हैं ताकि लोग डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट के प्रोडक्ट को लाइक करें, राइट, और डायरेक्टली एक ऑर्डर प्लेस कर दे माय डियर फ्रेंड्स। तो दिस इज एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स डिजिटल वर्ल्ड, एक्चुअली दैट इज हैपेंड ओनली एंड ओनली इन डिजिटल वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड्स। Now we'll just talk about the digital marketing, my friends. So what is digital marketing? Marketing done digitally. Marketing on internet, over the internet, जो marketing की जाती है my friends, right? उसको actually हम लोग बोलते हैं digital marketing. आप लोगों ने digital watch, एक analog watch जैसे था, उसके बाद एक digital watch आई. Digital watch में और analog watch में क्या difference है? आपको तो हर किसी को पता ही है. डिजिटल किस तरह से एकदम इजी हो गया, वहां पर आपको काउंटिंग करना पड़ता था, राइट, यहाँ पर छोटा
बड़ा काटा इनफैक्ट है, छोटा काटा है, सेकंड का काटा है। सो लोगों को इनफैक्ट उसको देखने के लिए पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता था। बट अगर आज डिजिटल वॉच के वजह से आज हम लोग ने इस तरह से हम लोग वहां तक पहुंच चुके हैं कि जहां पर अभी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो एग्जैक्टली रिजल्ट है डायरेक्टली आपके आंखों के सामने है। सो सेम थिंग माय डियर फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग ने भी इसी तरह से कुछ किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको अपना टाइम ज्यादा गंवाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट पर्सन को ढूंढने की इनफैक्ट जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पर आप अपने तरह से इनफैक्ट आप अपने ही घर पर बैठ के मेरे फ्रेंड्स आप ऑर्डर दे सकते हो, ले सकते हो, राइट। इनफैक्ट आप एंटायर वर्ल्ड को अपना टारगेट बना सकते हो। सो दिस इज एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग इज डन डिजिटली, राइट। दैट इज व्हाट डिजिटल मार्केटिंग मेरे फ्रेंड डन बाय कंपनीज टू एंडोर्स प्रोडक्ट सर्विसेज एंड ब्रांड। डिजिटल मार्केटिंग क्यों की जाती है? डिजिटल मार्केटिंग की जाती है ताकि वो आप कंपनी के प्रोडक्ट को, सर्विसेज को या ब्रांड को प्रमोट कर सके। डिजिटल मार्केटिंग का मेन जो एग्जैक्टली जो पर्पस जो होता है वो होता है प्रमोशन, राइट। ब्रांड प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशन, सर्विस प्रमोशन। जब लोग उसके बारे में जानेंगे, ब्रांड के बारे में जानेंगे, तभी तो वो अपने उनके प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे लोग, और तभी जाके तो वो लोग इनफैक्ट उस प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं मार्केट में ढूंढेंगे, और जैसे ही ढूंढेंगे जहां भी मिला डायरेक्टली वो लोग वहां पर ऑर्डर को प्लेस कर देंगे। सो दिस इज ओनली माय डियर फ्रेंड्स डिजिटल मार्केटिंग, दिस दैट्स द रीजन माय डियर फ्रेंड्स इट इज कॉल्ड व्हाट, रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, जहां पर लोगों को डिजिटल मार्केटिंग पे आज सबसे ज्यादा भरोसा है। मैडम फ्रेंड लेट मी टेल यू मोर देन 83% राइट नाउ डीज पीपल और द बिग वेंडर्स और द बिग प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स या फिर मार्केट के जो बड़े बड़े जो मार्केटर्स हैं, राइट, वो आर मे बी प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्शन राइट प्रोड्यूसर्स हैं, या फिर वो होलसेलर्स होंगे या फिर एनी चेन, राइट। तो वो लोग सबसे ज्यादा आज अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए कौन सा जरिया यूज कर रहे हैं? मोर देन 83%, राइट, इट इज काउंटेड माय फ्रेंड्स, जो कि एनालिसिस से इनफैक्ट आया हुआ है रिजल्ट एक्चुअली, के लोगों का कहना यह है कि आज के दिन में सबसे ज्यादा जो ऑर्डर्स हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही आ रहे हैं, आपके B2B मार्केट, B2C मार्केट, राइट। इनफैक्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग है, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। सो देर आर नंबर ऑफ टूल्स, देर आर नंबर ऑफ सोर्सेज, जस्ट बेस्ड ऑन दैट ओनली नाउ दिस पीपल आर व्हाट दे आर प्लानिंग टू बाय द प्रोडक्ट्स। अब आप यही देखिए ना, हमारे जमाने में हम लोग गूगल में सारी चीजें देखा करते थे, बट आज गूगल पे अभी ज्यादा कोई लोग नहीं जाते, बस डायरेक्टली अगर कुछ खरीदना है सो नाउ दिस पीपल आर गोइंग ऑन व्हाट, वेयर, यूट्यूब पे, बिकॉज नाउ यूट्यूब रैंक सेकेंड नेक्स्ट टू गूगल इन व्हाट, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सर्च इंजिन। जो प्रोडक्ट आपको गूगल प्लानिंग करता है वो आपका प्रोडक्ट एग्जैक्टली किस तरह से अपियर करता है, हाउ इट लुक लाइक, सो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन दैट यू विल गेट जस्ट ओनली ओनली ऑन यूट्यूब। सो अगेन यूट्यूब इज व्हाट माय फ्रेंड्स, दैट इज ऑल्सो व्हाट डिजिटल प्लेटफॉर्म वेर यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट। सो हाउ दैट यू कैन डू दैट ऑल, सो दैट ओनली माय फ्रेंड दैट वी विल राइट वी विल स्टडी इन अवर दिस कोर्स, दैट कोर्स दैट इज द रीजन माय फ्रेंड्स this is a revolutionary concept, right, where you can plan your business, where you can set your business, where you can organize your business, where you can start analyzing the market, entire market funnels, right, lots of things are there, my dear fans. So that all the thing, my dear fans, that we will do in our entire course that's called digital marketing, my dear fans. So yes, my dear fans, see you very soon, right, in the form of the next video. I'm just starting my digital marketing. This video was all about actually the preview of digital marketing, how digital marketing differ from traditional marketing. That was actually all about my today's video. So now I hope you understood the importance of digital marketing, why that concept really called revolutionary concept, so that even I explained in today's video. And from the upcoming video, I'll just tell you that how to initiate your plan, right? Because all the business that start with the planning only. And here, if you start making plan about digital marketing, so how to do that all, right? So that all thing, my friends, I will help you with, right, this course. And from the next video, my friends, I'll start my digital marketing entire course. So please keep in touch with us, my friends, because this video and this course is really gonna to change your life, because now you don't need to move out, right? You can earn in lakhs or maybe in crores,
right? Because let me tell you, the people who got millionaires, they got just on digital platform only. So now, don't wait, my dear fans. Just join this course, right? And follow the instruction, guidance, information, right? That you get from here and start following it. So yes, my dear fans, thanks for being with me here and expecting you ahead, right? With me, and I'm really excited to see you all in the upcoming journey. So please be in touch. Thanks a lot of you. See you very soon. Thank you.